प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए घन घनाव से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2002 में आ चुकी है। आज की हमारी प्रॉब्लम है दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आपको ये दिया हुआ है दो घन हैं, उन घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसकी सहायता से आपसे ये पूछा गया है कि इन घनों के संपूर्ण पृष्ठों या संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो देखिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया दो घन है, तो पहले घन की कोर को हमने A1 मान लिया। आप कोर कहिए या भुजा कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो माना पहले घन की कोर बराबर A1 मात्रक और दूसरे घन की कोर को हमने मान लिया A2 मात्रक। मात्रक का मतलब यह है अनुपात जब एक सी राशियों के होते हैं तो उनमें मात्रक कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इस अनुपात में तो मात्रक आएंगे नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल हमारी भुजा की लंबाई है उसमें मात्रक होगा। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर मात्रक मानना आवश्यक है। क्लियर? अब दिया हुआ है घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इसको हम लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन बराबर 27:64। या तो आप ये कहिए कि घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, या आप इसी बात को ऐसी भी कह सकते हैं पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन बराबर 27:64। क्लियर? अब हम जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है कोर की घातांक 3 या भुजा की घातांक 3। तो अब पहले घन की कोर हमने A1 मानी थी, इसलिए पहले घन के आयतन के स्थान पर लिख देंगे हम A1 की घातांक 3, और दूसरे घन की कोर हमने A2 मानी थी, इसलिए हर में आ जाएगा दूसरे घन के आयतन के स्थान पर A2 की घातांक 3। क्लियर? और RHS में आ जाएगा 27:64। यदि मान लीजिए आपका लिखा हुआ है x की घातांक 3 बटे y की घातांक 3, तो आप इसे लिख सकते हैं x बटे y की होल घातांक 3। तो इस नियम के आधार पर हमने इसके स्थान पर लिख दिया LHS में A1 बटे A2 की होल घातांक 3 बराबर, और आपके 27:64 जो लिखे हुए हैं RHS में, इनको हम लिख सकते हैं 3/4 की घातांक होल घातांक 3। तो इस 27:64 के स्थान पर लिख दिया हमने 3/4 की होल घातांक 3। अब घातांक 3 इधर भी है, घातांक 3 इधर भी है, ये घातांक से घातांक कटेंगी नहीं, यदि आप काट देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप या तो यहाँ पे कुछ मत लिखिए, या आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, और आप कुछ मत लिखिए, तो जब इसका घनमूल लेंगे तो आ जाएगा A1/A2, और इसका घनमूल लेंगे तो आ जाएगा 3/4। इस प्रकार से हमें जो घन दिए हुए थे उन घनों की कोरों में या भुजाओं में हमारे लिए अनुपात ज्ञात हो गया। अब इसकी सहायता से हम घन के संपूर्ण पृष्ठों में अनुपात ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे अब पहले घन के संपूर्ण पृष्ठ बटे दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो जब पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 × भुजा की घातांक 2। तो जब पहले घन का लिखेंगे तो लिखेंगे 6 × A1 की घातांक 2। क्लियर? और दूसरे घन का हर में लिखेंगे, दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 × A2 की घातांक 2। इस अंश और हर में 6 जो है ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको फल प्राप्त होगा A1 की घातांक 2 / A2 की घातांक 2, और इसको हम लिख सकते हैं A1/A2 की होल घातांक 2। तो इसके स्थान पर हमने लिख दिया A1/A2 की होल घातांक 2। और जैसा कि आप हम निकाल चुके हैं, गणना कर चुके हैं, A1/A2 का मान हमारा 3/4 के बराबर है, इसलिए A1/A2 के स्थान पर हम लगा देंगे 3/4, और घातांक 2 आइए तो घातांक 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है
पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ बटे दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3/4 की होल घातांक 2। और 3/4 की होल घातांक 2 का मतलब होता है 3/4 × 3/4। जब हम भिन्नों में गुणा कर रहे होते हैं तो अंश की राशि की अंश की राशि से गुणा होती है, हर की राशि की हर की राशि से गुणा होती है। तो यहाँ पर 3 और 3 की तो परस्पर गुणा हो जाएगी, तो आपको अंश में प्राप्त हो जाएंगे 9, और हर में 4 की 4 से गुणा होगी तो प्राप्त हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होता है पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ बटे दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 9/16। और इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहें, भाषा में लिखना चाहें, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, घनों के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात 9:16 है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। आपको प्रतियोगी परीक्षा में ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो केवल आपको फार्मूले याद होना चाहिए। आप मनी मन में इसका मान निकाल सकते हैं और मनी मन में ये गणना कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास करते समय आप इन समस्त बातों को लिखें, हिसाब लगाएं, विचार करें, याद रखने का प्रयास करें, जिससे कि आप उस समय आसानी से कम समय में प्रश्नों को हल कर सकें। जितना आपको कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक क्लियर होगा, आप उतनी ही आसानी से, सुगमता से, शीघ्रता से और सही तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज का प्रश्न पूरा होता है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।